गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, या अभी का जो हमारा टॉपिक है, वो है फोटोसिंथेसिस में फोटो सिस्टम के बारे में। ठीक है, और ये फोटो सिस्टम को हम लोग इन अदर वर्ड्स दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, LHS, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आज हम लोगों को फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनसाइड द मेसोफिल सेल्स, ये हम लोगों ने देखा था। उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो देखो, जब भी कभी टर्म आएगा फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम को समझने से पहले एक चीज क्या आपको जानना होगा, तो देखिए क्या जानना होगा तब समझ में आएगा फोटो सिस्टम। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं, अभी इतना आप लोग जानिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के टाइम हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है और फूड भी बनता है। उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, CO2, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, H2O, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, SL मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, जिसको फूड बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन क्या होता है, एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो उस टाइम पे, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ध्यान से देखिए, ये वाटर का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और क्या इवॉल्व होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है या फूड बनता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, ये जो वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिसके वजह से क्या इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर फूड या ग्लूकोज बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का क्या चीज, डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब इंटायर फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे उसमें दो इवेंट होता है, या दो रिएक्शन होता है, या दो मैकेनिज्म होता है, एक को बोलते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क रिएक्शन मैकेनिज्म। लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म जब भी होगा तो वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वाटर से हाइड्रोजन हटेगा और क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन जब भी होगा तो इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनेगा या फूड बनेगा, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक क्या चीज है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे, लाइट रिएक्शन के टाइम पे मतलब वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, इसी लाइट रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है। ये कहां पर होता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा फोटोसिस्टम क्या चीज, फोटोसिस्टम का मेन काम क्या चीज है, फोटोसिस्टम का मेन काम क्या चीज है, कि वो क्या चीज को कैरी करता है, फोटोसिंथेसिस का, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को कैरी करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, नाम से लग रहा है फोटोसिस्टम, मतलब फोटो का मतलब क्या हो गया लाइट, सिस्टम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा प्रोटीन्स होगा। ठीक है, इसका मतलब फोटो सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन। मतलब क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, लाइट रिएक्शन तो मेनली यही होता है, और इसको कराने के लिए ही क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें क्या दिखता है, ये कैसे करके काम करता है, ये हम लोग सब डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना जानिए। ठीक है, तो और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में अभी डार्क रिएक्शन को अभी आप क्या कीजिए, डार्क रिएक्शन को अभी आप स्किप कीजिए। ठीक है, अभी केवल किससे मतलब है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन से मतलब है, मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम जब भी आएगा तो फोटोसिस्टम हमेशा रहेगा किससे रिलेटेड, लाइट रिएक्शन से रहेगा। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन से फोटोसिस्टम रिलेटेड नहीं होता है, एक्चुअल में होता क्या है, ये फोटोसिस्टम क्या कराता है, लाइट रिएक्शन कराता है, और इस लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स बनता है, उस प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं, प्लस रिड्यूस NADPH2 बोलते हैं,
ये दोनों को मिला के हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, और यही प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे यूज होता है किसमें, किसमें यूज होता है हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन में यूज होता है, मतलब फूड को बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो मेनली बताने का मतलब ये है कि फोटो सिस्टम क्या चीज से रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा जिसको एटीपी और रिड्यूस एनएडीपीएच2 बोलते हैं, या एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं दोनों को मिला के। और ये एसिमिलेटरी पावर फिर क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, डार्क रिएक्शन कराता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनवाता है, हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि फोटो सिस्टम हमेशा क्या करेगा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को करवाएगा। क्या चीज इसमें होगा तो हम लोग बोलेंगे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और क्या इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और लाइट रिएक्शन अगर होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन बनेगा, जिसको हम लोग एटीपी एंड रिड्यूस एनएडीपीएच2 बोलते हैं, दोनों को मिला के एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और यही प्रोडक्ट यूज होता है डार्क रिएक्शन में, क्या चीज को बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये चीज समझ में आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फोटो सिस्टम होता है, ये फोटो सिस्टम क्या होता है और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है ये फोटो सिस्टम। ठीक है, और ये कैसे करके लाइट रिएक्शन को क्या करता है, कैरी आउट कराता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व कराता है, और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन बनाता है, जिसको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो फोटो सिस्टम होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा और वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं